अच्छा लास्ट लेक्चर में हमने सेव को भी डायलॉग को भी देख लिया, ओपन को भी देख लिया, और हमारा रह गया था प्रिंट। तो प्रिंट को हम कैसे यूज़ करते हैं, ये टेक्स्ट बॉक्स लिया जो कि हमने लिया था यहाँ से, तो ये रिच टेक्स्ट बॉक्स हमने ले लिया, ठीक है। उसके बाद हमने बटन लेने हैं, तो बटन आप यहाँ से ले सकते हो। उसके बाद हमने ऐड करना है यहाँ पर प्रिंट डॉक्यूमेंट एंड प्रिंट डायलॉग, तो वो आपने कहाँ से ऐड करना है, वो वही सेम प्रोसेस कि आप आ जाओ यहाँ पे डायलॉग के मेन्यू में, यहाँ पे सॉरी हमें चाहिए ये प्रिंटिंग वाले पोर्शन में आ जाओ। प्रिंटिंग वाले पोर्शन में हो गए तो देखिए प्रिंट डायलॉग और प्रिंट डॉक्यूमेंट, इन दोनों को हमने क्लिक करना है, और फॉर्म पे क्लिक करेंगे तो ये देखिए यहाँ पे प्रिंट डायलॉग भी ऐड हो गया, और प्रिंट डॉक्यूमेंट करेंगे तो प्रिंट डॉक्यूमेंट वाला भी यहाँ पे ऐड हो गया। अब इनको ऐड नहीं करना क्योंकि ऑलरेडी हमने ऐड किए हुए हैं, तो अपने इनको ऐड नहीं करना। जैसे ही हम यहाँ पे एक और बटन क्रिएट करके यहाँ से बटन, ये बटन पे बटन पे डबल क्लिक करेंगे तो ये वाली चीज़ ओपन होगी, ये वाली, ठीक है। तो ऑलरेडी हमने यहाँ पे कोडिंग की हुई है, तो हम उसी को देख लेते हैं, इसको ठीक है डिलीट कर देते हैं। प्रिंट, प्रिंट के बटन पे क्लिक करोगे आप तो ये कोडिंग आपको नहीं शो होगी, ठीक है। कंट्रोल एक्स में अगर कर दूँ इसे तो इतना इतना पोर्शन आपको शो होगा, इसके अंदर हमने कोडिंग करनी है। कोडिंग हमने क्या करनी है कि प्रिंट डायलॉग बॉक्स वन डॉट डॉक्यूमेंट इज इक्वल टू प्रिंट डॉक्यूमेंट वन, प्रिंट डायलॉग भी हमारे पास वन था ये देखें, ठीक है, और प्रिंट डॉक्यूमेंट भी वन है, तो हमने सेम वही हमने यहाँ पे शो कर दिया। प्रिंट डायलॉग वन, प्रिंट सेटिंग, प्रिंट सेटिंग को ओपन करेगा प्रिंट डायलॉग डॉक्यूमेंट वन एंड प्रिंट सेटिंग, ये प्रिंट सेटिंग को ओपन कर देगा, ठीक है। प्रिंट डायलॉग वन अलोज सम पेजेस इज इक्वल टू ट्रू, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, प्रिंट डायलॉग वन वन डॉट शो डायलॉग विंडोज फॉर्म, ओके, इक्वल का साइन जैसे ही आप एंटर करेंगे या यहाँ पे लिखेंगे तो ये चीज़ ऑटोमेटिकली आपको शो हो जाएगी। जैसे कि अगर मैं आपको करके दिखा दूँ, इक्वल टू, ये देखें जैसे ही मैंने इक्वल टू लिखा तो ये हमारे यहाँ पास यहाँ पे शो होगी, तो ये हम यहाँ पे ऐड कर लेंगे, और देन प्रिंट सेटिंग्स, और ये यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट प्रिंट ये डॉक्यूमेंट को प्रिंट करवा देगा। अब ये सारी हमने कोडिंग कर दी प्रिंट बटन की, तो आप यहाँ पे जो प्रिंट बटन में, अब इसको अगर हम रन करते हैं अपने फॉर्म को, फॉर्म को रन करने के बाद आपके पास जो फॉर्म ओपन होगा, जहाँ पे फाइल ओपन कर लेते हैं कोई भी हमने जो टेक्स्ट की फाइल में लिखी थी, तो उसको जैसे हम प्रिंट पे क्लिक करेंगे तो ये देखें हमारे पास प्रिंट जो है डायलॉग ओपन हो गया, ठीक है। अब कह रहा है ऑल पेजेस को प्रिंट करना है, जितने पेजेस पर आप प्रिंट करना चाह रहे हैं, नंबर ऑफ कॉपीज, अगर एक पेज आप प्रिंट कर, फर्स्ट ग्राउंड एक नंबर वन पेज प्रिंट कर रहे हैं, उसकी कितनी कापीज़ चाहिए आपको, एक चाहिए, दो, तीन, चार, जितनी भी आपको कापीज़ चाहिए वो आप यहाँ से चेंज कर सकते हो, ठीक है। अब ये उसके जो है प्रिंटर सेटिंग है, जो भी होता है आप इसको चेंज कर सकते हो, अगर आपका प्रिंटर लगा हुआ तो वो उसका यहाँ पे चेंज कर देगा, ठीक है। जैसे ही आप यहाँ पे चेंजिंग करके प्रिंट की कमांड दोगे तो वो प्रिंट कर देगा। अब ये प्रिंट की कमांड हमने दी तो उसने डायलॉग बॉक्स ओपन कर दिया, अब ये हमारे पास प्रिंटर नहीं लगा इसलिए नहीं प्रिंट कर रहा है। जैसे ही हम यहाँ पे फाइल नेम कुछ भी रख देते हैं, जैसे कि ZA रखते हैं और सेव करते हैं, तो वो डॉक्यूमेंट सेव हो गया, देखें यहाँ पे उसने इसको सेव कर दिया प्रिंट की फॉर्म में, तो देखें ये PDF में ओपन होगा अभी, ओके। तो ये हमारे पास जो उसका डॉक्यूमेंट ओपन हो गया, इसको क्लोज करते हैं, अपने फॉर्म में आ जाते हैं, ओके। तो इस तरह आप जो है प्रिंट डायलॉग का भी यूज़ कर सकते हो अपने फॉर्म में या किसी भी अपने प्रोजेक्ट में इन VP.NET।